हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। डीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेंथ के फॉर्मूले सब देखेंगे, जो कि हर एग्जाम में 15 से 20 नंबर आपका फॉर्मूला से पूछता है। हम लोग आज शुरू से देखेंगे। चलिए फर्स्ट एक अध्याय से देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए इसको हम लोग कैसे ये करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखे हैं, जीरो ग्रेटर देन आर बराबर बी। तो देखिए यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसका बढ़िया से इसको हम लोग जानते हैं। ये होता है भाज, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये हो गया, मान लीजिए यदि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए यदि ये संख्या 205 है और 163 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 205 बटे ए और 163 बटे बी। इसी तरह हम लोग यूक्लिड विभाजन में सिद्ध करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग, अध्याय में जो देखेंगे शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस डी बाय ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है। उसके बाद व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो चलिए इसमें यदि मान लीजिए यदि अल्फा प्लस बीटा आपका 5 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो प्लस नेक्स्ट है आपका जब ए वन बटे ए टू इजकल टू बी वन बटे बी टू, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ए वन बटे ए टू इजकल टू बी वन बटे बी टू, तो केवल एक हल होगा और युग्म क्या होगा, संगत हो जाएगा। देखिए क्या है, ए वन बटे ए टू इजकल टू बी वन बटे बी टू, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसमें केवल एक हल होगा, उसके बाद युग्म संगत होगा। जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू इजकल टू सी वन बटे सी टू, तो ग्राफ आपका समांतर हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा और असंगत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला बैठाते हैं जो कि हम लोग कहते हैं इसको ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स बटे बी सी माइनस बी सी वाई बटे सी ए माइनस सी ए बराबर वन बटे ए बी माइनस ए बी। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 12, देखिए यहाँ 12 लिखे थे, यहाँ आपका हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 21, फिर आगे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा तो यहाँ आपका 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 12 लेंगे तो यहाँ फिर आपका 21 हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कितना आसान है, x बराबर एक बार 12 लेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 12 लेंगे तो फिर 21 हो जाएगा, फिर 12 लेंगे तो फिर 21 हो जाएगा। इस तरह करेंगे तो हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अध्याय 4 का, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ए ग्रेटर देन जीरो। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर जीरो तो दो बराबर मूल होते हैं, डी बराबर यदि जीरो होता है दो बराबर मूल होते हैं, डी बड़ा है वो जीरो से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, डी बड़ा है डी छोटा है वो से, तो कोई भी डी वास्तविक कोई भी वास्तविक मूल होंगे, ठीक है।
अध्याय पांच का देंगे, इसमें प्रथम पद ए होता है, सर्वांतर डी होता है, उसके बाद पदों की संख्या एन है, अंतिम पद आपका एल है, ठीक है, एल है या एन है, ए एन है, एनवा पद बराबर ए एन, देखिये ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस डी, ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर होता है एन बाय टू, बड़ी कोश छोटी कोश टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बड़ी कोश वन मतलब एस एन बराबर एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, या एन बटे टू बराबर ए प्लस एन, या एन बटे टू इंटू ए प्लस एन, ए आपका होता है। अब हम लोग अध्याय साथ देखेंगे, एक्स एक्स भुज वाई एक्स कोटि, एक्स एक्स भुज होता है, वाई एक्स कोटि होता है, इसमें दूरी सूत्र होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूटो भर। अब चलिए मूल बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूटो भर। अब देखिए इसमें क्या होता है मध्य बिंदु, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, ये मध्य बिंदु हो गया आपका। उसके बाद देखिए विभाजन सूत्र एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू कोमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू, ये हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बटे टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, वन बाय टू, वन बाय टू एक्स वन, एक्स वन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री, अब देखिए यहाँ पे एक्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई थ्री माइनस y3 थ्री माइनस वाई वन, यहाँ पे x3 थ्री में हम लोग क्या लिखेंगे y1 वन माइनस वाई टू, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरा नहीं किए, चलिए नेक्स्ट अध्याय सेवन में देखेंगे, x एक्स मिस होता है भुज होता है, y एक्स मिस होता है कोटि, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होगा। यहाँ पे हम लोग x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट होगा। वहाँ इसी तरह मूल बिंदु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट होगा। उसके बाद मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, विभाजन सूत्र होता है आपका एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू कोमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू, ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वन बाय टू एक्स वन, तो एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू बराबर वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री बराबर वाई वन माइनस वाई टू, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अध्याय हम लोग अब आठ देखेंगे, साइन थीटा बराबर बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर बी बटे बी, तो देखिए साइन का जस्ट कोस उल्टा हो जाएगा, कोस एच बाय बी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉस थीटा बराबर बी बाय बी, क्योंकि साइन थीटा बराबर बी बटे एच है तो कोसेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच है तो सेक थीटा एच बटे बी, टेन थीटा बी बाय बी है तो कॉस थीटा बी बाय बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, तो देखिए एक्स बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूट ओवर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूट ओवर, पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह आगे वाले में हम लोग देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अब देखिए आगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस
अब हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है। कोसेक थीटा यहाँ पे कोसेक नहीं होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है। इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है। देखिए साइन थीटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इधर लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या हम लोग वन बटे साइन थीटा। इसी तरह आगे वाले में देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर हो गया वन बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना वन बटे कॉस थीटा, ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटे कॉट थीटा, अब कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटे टेन थीटा। अब एक चीज इसमें और होता है जो कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेन थीटा हम लोग को लिखना होता है तो क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यदि कॉट थीटा हम लोग को निकालना रहता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।